स्किन टोन, वजन के मुद्दे, मेंटल हेल्थ जैसे कई परेशानियों से आम जनता के साथ साथ टीवी सेलेब्स भी गुजरते हैं। वहीं टीवी की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने अपनी कहानी से सभी को मोटिवेट किया और लोगों की बातों को नजरअंदाज करना ही सही समझा। अविका गौर। अविका गौर जिन्हें लोग आज भी आनंदी के नाम से पुकारते हैं, बालिका वधू में छोटी आनंदी बन अविका ने लाखों लोगों का दिल जीता था। वेल, अब अविका 23 साल की हो गई हैं और हाल ही में उन्होंने अपने वेट को लेकर बड़ी बात कही है। अविका ने एक हार्टफेल्ट नोट लिखा जिसमें वो कहती हैं, मुझे अभी भी याद है वो रात जब मैं अपने आप को शीशे में देखकर बिल्कुल टूट गई थी। मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई जो मैंने शीशे में देखी। बड़े हाथ, पैर पर मेरा पेट, मैंने काफी लापरवाही की थी। अगर ये किसी बीमारी जैसे थायराइड या PCOD की वजह से होता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये चीज मेरे कंट्रोल से बाहर होती, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं कुछ भी खा पी रही थी और बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रही थी। हमारी बॉडी अच्छा ट्रीटमेंट चाहती है लेकिन मैंने इसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं की। अंत में मैं जिस तरह दिखती थी उसे नापसंद करने लगी। मैं डांस करना भी एंजॉय नहीं कर पाती थी। मैं अपने आप को ही जज करने में बहुत व्यस्त हो गई और बुरा महसूस करने लगी। मैं बाहरी लोगों को खुद को बुरा महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये सभी चीजें दिमाग में हमेशा दौड़ती रहती थी और मुझे इरिटेट महसूस कराती थी। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया। मैंने इसके बाद सही चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिस पर मुझे गर्व भी होना चाहिए। मैंने अच्छा खाना और वर्कआउट करना भी शुरू कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं रुकी नहीं और लोगों ने भी मुझे खूब गाइड किया। लंबी कहानी को छोटे में बताती हूँ कि मैंने अपने आप को सुबह आईने में देखा और मुझे बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं हुआ। मैं मुस्कुराई और मैंने अपने आप से कहा कि मैं सुंदर हूँ। हमें वो चीज़ जरूर करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। आज मैं अपनी त्वचा से काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आपको बता दें कि अविका ने 13 किलो वजन कम किया है। निया शर्मा। मोस्ट डिजायरेबल वुमन और सेक्सिएस्ट एशियन वुमन का खिताब अपने नाम करने वाली निया शर्मा को कई बार अपने स्किन कलर और फिगर के बारे में काफी कुछ सुनना पड़ा, लेकिन निया को इन सब बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं कि अगर उन्हें कोई अगली और ओवररेटेड कहता है तो वो उसे एक्सेप्ट करती हैं। आरती सिंह। आरती सिंह एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने आसपास की नेगेटिविटी को दूर रख अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया। बिग बॉस 13 के दौरान आरती ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो मेंटल हेल्थ से गुजर रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि टीवी में इतना काम करने के बाद भी उन्हें असली पहचान नहीं मिली, वो मेंटल हेल्थ का शिकार है। ये जानने के बाद उनका शादी का प्रपोजल भी रिजेक्ट हो गया था। नैना सिंह। नैना सिंह कई रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। कुमकुम भाग्य के बाद वो हमें अब बिग बॉस 14 में नजर आ रही हैं। ई टाइम्स को दी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक प्रोड्यूसर ने उन्हें टॉन्ट मारते हुए ट्यूबलाइट खाने की सलाह दी थी। जी हाँ, नैना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें साउथ इंडस्ट्री फिल्म के प्रोड्यूसर ने ट्यूबलाइट खाने की सलाह दी थी ताकि उनका स्किन कलर लाइट हो जाए, लेकिन नैना ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम दुनिया को दिखाया। रश्मि देसाई। एक्ट्रेस रश्मि देसाई भी अपने वेट के कारण कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। रश्मि ने एक इंटरव्यू में बताया था, मुझे लगता है कि एक्टर के तौर पर वजन को कंट्रोल करना मेरे लिए सबसे मुश्किल का काम है। मेरी बॉडी बहुत ही आसानी से वजन बढ़ा लेती है, लेकिन स्क्रीन पर फिट दिखने का प्रेशर मेरे लिए चिंता का कारण बन जाता है। मैं हर रोज वर्कआउट कर रही हूँ ताकि वजन कंट्रोल रहे, लेकिन मेरी बॉडी की टेंडेंसी मुझे परेशान कर रही है। वहीं आपको बता दें कि रश्मि ने अब खुद के वेट पर काफी काम किया और दर्शकों को उनका अमेजिंग वेट ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिला। हिमांशी खुराना। बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट हिमांशी ने भी बॉडी शेमिंग का सामना किया है। हिमांशी को PCOS है जिसकी वजह से उनका वेट फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन हिमांशी हेटर्स की बातों को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देती। वहाबी जोराबजी। एक्ट्रेस वहाबी जोराबजी के हाथों से काफी सारे प्रोजेक्ट्स गए जिसकी वजह थी उनका वजन। पहले उन्हें लगता था कि शायद वो वर्कआउट नहीं करती इसलिए उनका वजन बढ़ रहा है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें हाइपरथायरॉइडिज्म है। वहाबीज ने अपने आप पर खूब मेहनत की और अब वो बॉडी पॉजिटिविटी पर काफी मैसेजेस सोशल मीडिया पर देती रहती हैं। निमृत कौर आहलूवालिया। ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में निमृत ने बताया था कि उनके कॉलेज डेज में उन्हें काफी फैट शेमिंग का सामना करना पड़ा था।
इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने ये भी बताया था कि उनके डस्की कलर की वजह से लोग उन्हें काफी कुछ कहते थे, लेकिन निमृत ने इन सब बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। वेल व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए टेली मसाला।